हे गाइस, कैसे हो आप लोग? और उम्मीद करता आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपके YouTube एप्लीकेशन में लिख के आता है देयर वाज ए प्रॉब्लम विथ सर्वर और 400, अगर ये एरर आता है तो इसको कैसे फिक्स करेंगे। YouTube पे बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन सारे वीडियो मैंने यूज़ कर लिए, कुछ नहीं बेनिफिट हुआ। तो मैं सिंपली आपको बहुत ईजी मेथड में आपको बताऊँगा। तो आपको अपने YouTube एप्लीकेशन पर कुछ देर के लिए पुश करना होगा और उसके बाद आपको ऐप इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको ऐप इन्फॉर्मेशन पर जाना होगा और उसके बाद जो आपका यहाँ पर स्टोरेज डेटा है यानी कि स्टोरेज यूज़ है, इस पर करना होगा क्लिक। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू इंटरफेस, एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी और वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कैप्चर या क्लियर डेटा। तो सिंपली आपको करना होगा क्लियर डेटा पर क्लिक। और जैसे ही आप क्लियर डेटा पर क्लिक कर दें, उसके बाद आपके अपने प्ले स्टोर में जाना होगा। और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अपना यूट्यूब को सर्च करना होगा, जैसा कि मैंने यूट्यूब को सर्च कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा अनइंस्टॉल लिख के जो आ रहा है, इसको करना होगा। तो सिंपली आपको कर देना होगा अनइंस्टॉल। तो मैं यहाँ से करता हूँ फटाफट अनइंस्टॉल, जैसा कि मैंने कर दिया है। और जैसे ही आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद सिंपली आपको कर देना होगा ओपन। तो 100% आपकी जो ये ट्रिक है ये काम कर जाएगी, जो आपका होम पेज का जो एरर है ये एरर फिक्स हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर मेरी जैसे कि ये मैंने ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद आपको जिस भी चैनल के जिस भी मेल आईडी के साथ आपको इसको लॉगिन करना है। तो सिंपली मैं अपनी किसी भी मेल आईडी को सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा होम पेज का एरर था वो ख़त्म हो चुका। देख पा रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और वो एरर ख़त्म हो गया। और ये 100% ट्रिक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ।